नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जाधव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पापुआ न्यू गिनी में हैं। रविवार को यानी 21 मई शाम पापुआ गिनी पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पैर छूकर स्वागत किया। इस ग्रैंड वेलकम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह पोर्ट मोरेस्बी में ऐतिहासिक गवर्नमेंट हाउस में पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डाडी के साथ बातचीत की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान दोनों देशों यानी कि भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच संबंधों और विकास साझेदारी के महत्व को हाईलाइट किया गया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में ऐतिहासिक गवर्नमेंट हाउस में गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे के साथ गर्मजोशी से बातचीत कर दिन की शुरुआत की। दोनों देशों के बीच संबंध और विकास साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया गया। पीएनजी गवर्नर जनरल के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी पोर्ट मोरेस्बी में एला बीच के तट पर स्थित प्रतिष्ठित एपीईसी हाउस पहुंचे, जहां एनपीजी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनका स्वागत किया। बाद में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एफआईपीआईसी थर्ड शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने कहा कि हम सभी एक साझा इतिहास से आते हैं, उपनिवेश होने का इतिहास जो ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ रखता है। द्विपक्षीय बैठक में मुझे आश्वस्त करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करता हूं। पापुआ न्यू गिनी सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं करता है, लेकिन राष्ट्र ने पीएम मोदी के लिए एक विशेष अपवाद रखा और उनका पूरी तरह से औपचारिक स्वागत किया गया। रविवार शाम जैसे ही पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो पीएनजी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद भी मांगा, जहां उनका पैर छूना फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है।